अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका शम्स तबरेज़ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों फाइनली जो है आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। कौन सी गुड न्यूज़ है आपके साथ शेयर करता हूँ। फाइनली मतलब कि ऐसी न्यूज़ अगर क्रिप्टो में आती रही ना, क्रिप्टो की मार्केट के सेंटिमेंट्स सबसे अच्छे हो जाएंगे। स्टॉक्स वगैरह जो भी मार्केट गिरी हुई है, सबसे ज़्यादा सबसे पहले जो है क्रिप्टो ऊपर चली जाएगी, सबसे पहला क्रिप्टो रिकवर हो जाएगी। अगर इस तरह के सेंटिमेंट्स आते रहे बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है मेरे हिसाब से। आपका देखते हैं आपको कैसी लगती है, अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके अलावा एंड बेबी डॉज जो कि मीम कॉइन है उसकी भी बात करूँगा, शिबा इनू की भी थोड़ी सी बात करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास एक न्यूज़ निकल के आ रही है, G20 कंट्रीज। आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता बता देता हूँ, G20 कंट्रीज में जो है बड़ी बड़ी कंट्रीज हो गई, चाइना हो गई, ऑस्ट्रेलिया वन हो गई, इटली हो गई, और ये सारी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज है ना, ये G20 एक मतलब के नाम से बनी हुई है। उसके उसमें ये सारी कंट्रीज जो है शामिल हैं। और अगर मतलब के कोई एक उसमें वो रखता है, मतलब कोई अपनी मतलब बात रखता है, तो सारी जो है उसको देखती हैं। अगर वो मानती हैं तो उस पर सारी जो है मिल के फिर वर्क करती हैं एक साथ। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि अगर सपोज करो कि G20 मतलब के किसी ने G20 कंट्रीज में कोई है और वो वहाँ पर जो है सारी कंट्रीज मिल के कोई काम कर रही हैं, तो वो जो मुल्क उसमें शामिल है वो उससे अलग नहीं हो सकता, उसमें वो भी आएगा लाजमी। तो यहाँ पे इंडिया भी G20 कंट्रीज में आता है। इसमें जो है एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड FSB आर ग्लोबल फाइनेंशियल रेगुलेटर इंक्लूडिंग ऑल G20 कंट्रीज रेगुलेशन इम्पोज करने जा रही हैं क्रिप्टो के ऊपर। मतलब के सबके लिए अगर बात करें तो G20 कंट्रीज में जो भी आएगा, 20 कंट्रीज जो भी हैं, इनमें जो है सबके लिए एक ही रूल बनने जा रहा है क्रिप्टो का। ये नहीं होगा इंडिया में अपने रूल चल रहे हैं, अमेरिका में अपने रूल चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में अपने रूल चल रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको पता है कि जैसे मतलब कि आप देखें दुनिया एक्सेप्ट तो कर रही है, लेकिन हर कोई अपने अपने रूल बनाता जा रहा है। कोई जो है किसी तरह उसको एक्सेप्ट कर रहा है, कोई किसी तरह। तो इन्होंने हल जो है यही निकाला है कि एक साथ मतलब कि तब ही मतलब ग्रो करेगी क्रिप्टो जब एक साथ जो है पूरी क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाएगा, सारी दुनिया में एक ही रूल होंगे, सबको समझने में ईजी होगा और इसी तरह क्रिप्टो ऊपर जा सकती है। ये मतलब कि आप समझें ऐसी न्यूज़ का ही वेट था। इतनी बड़ी अगर न्यूज़ ऐसी आती रहती हैं, अभी इन्होंने स्टार्ट नहीं किया, अक्टूबर में जो है इन्होंने स्टार्ट करना है, जिसमें जो है हर कंट्रीज़ के G20 कंट्रीज़ में से हर कंट्रीज़ के जो है स्टेट बैंक के अधिकारी शामिल होंगे, बड़ी बड़ी जो है वेल्स या हस्तियां जो है शामिल होंगी जो क्रिप्टो में हैं। उसके अलावा काफ़ी जो है इसमें एक्सपर्ट भी शामिल होंगे और ये सारा कुछ मिलके जो है ये FS बोर्ड जो है ये इस पे रेगुलेशन इम्पोज करेगा और रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा जो सारी कंट्रीज में जो है एक जैसा होगा, सारी कंट्रीज उसको फॉलो करेंगी और उसी तरह जो है क्रिप्टो वर्क करेगी। तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है जो यहाँ पे निकल के आ रही है। अगर ये रेगुलेशन बना देते हैं, रूल्स बना देते हैं और मतलब कि क्रिप्टो को एक्सेप्ट हो जाती है, तो बहुत बड़ा बूम देखने को हमें, न्यू साइकिल यहीं से देखने को स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं मोस्टली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चाइना की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन, इस तरह ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन, ये बड़ी बड़ी मतलब पॉपुलेशन वाली कंट्रीज हैं। तो अच्छा खासे इनमें यूज़र हैं और अच्छा खासा जो है इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको छोटी न्यूज़ ना समझेगा, बहुत अच्छी न्यूज़ हो गई है। अगर मतलब कि G20 कंट्रीज ये स्टेप लेती हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन सेम बनाती हैं कि हर कोई अपनी मनमानी ना करे, कोई एक्सचेंज कहीं पे अपनी मनमानी कर रहा है, कोई क्वाइन अपनी मनमानी कर रहा है, तो ऐसा ये सारा कुछ अगर ख़त्म करती हैं तो बाकी भी कंट्रीज ऐसे स्टेप लेंगी और होपफुली जो है एक ग्लोबली जो है इम्पोज कर दिया जाएगा उस पर रूल एंड रेगुलेशन, ग्लोबली जो है एक तरह से एक्सेप्ट अगर क्रिप्टो को किया जाता है, बस और कुछ नहीं चाहिए क्रिप्टो को, यही चाहिए था, इस तरह फिर एक्सेप्ट हो जाएगी। ये हुआ कब है, लूना के बाद हुआ है कि अगर मतलब कि ये अगर रेगुलेशन इम्पोज की जाएंगी तो सारी क्रिप्टो करेंसी पे, सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा, सारी क्रिप्टो करेंसी पे की जाएंगी, उसके बाद सारे स्टेबल्स कॉइन पे की जाएंगी, ताकि सब कुछ जो है बीच में आ जाए। यहाँ पे जो फेक और ये सारे कुछ होंगे ये फिर ऐसा ऐसा जो निकल जाएंगे, स्कैम भी काफ़ी कम हो जाएंगे अगर जो है रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें लगा दी जाती हैं, और लूना वाला हाल भी मोस्टली जो है नहीं होगा। मतलब कि आपको यहाँ पे रिस्क तो रहता ही है, क्रिप्टो में रिस्क फ्री कुछ भी शय नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा कि आपके पैसे डूब जाएं। हाँ, उतार चढ़ाव तो आता रहता है क्रिप्टो में कि आपके मतलब कि आपने किसी में इन्वेस्ट किया तो बाद में आपके रिकवर हो जाएंगे, उतार चढ़ाव तो आता रहता है, मतलब कि नीचे भी जाएगी ऊपर भी जाएगी मार्केट, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि फिर आपके पैसे डूबने का आपको चांसेस हो। अगर क्रिप्टो में आए हैं तो आपको लगे कि आपके पैसे जो है
खत्म हो गए, हम बिल्कुल डूब भी गए हैं, तो ऐसा जो है मुझे नहीं लगता फिर होगा अगर ये जो है इम्पोज कर दिए जाते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये एक अच्छी बड़ी न्यूज़ थी आपके साथ शेयर करने वाली। उसके अलावा बेबी डॉज की बात करें तो बेबी डॉज जो है मीम कॉइन की लिस्ट में जो है टॉप 5 में आ चुका है। तो यहाँ पे अच्छी खासी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि डेली अपडेट्स वगैरह आ रही हैं, इसी वजह से जो है इसका अच्छा जो है पंप देखने को मिला। उसके बाद अगर बात करूं तो मैं आपको ये नहीं कर रहा कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि अभी इसकी जो है 420 क्वाड्रिलियन में से सिर्फ 27% जो है मार्केट में है सर्कुलेटिंग सप्लाई है अभी इसकी। बाकी आप देख सकते हैं कितनी पीछे पड़ी हुई है सप्लाई, इतनी ज्यादा सप्लाई में से अभी अगर बात करें तो रिसेंटली इसके जो है 764 खरब टोकन जो है और बर्न किए गए हैं, लेकिन प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 420 क्वाड्रिलियन बहुत ज्यादा होती है और 27% सिर्फ मार्केट में आई है। मजीद मार्केट में एक एक परसेंट, दो दो परसेंट भी अगर आया तो प्राइस यहीं की यहीं पड़ी रहेगी, कहीं नहीं जाने वाली प्राइस। इस वजह से इसको मैं तो आपको कहूंगा अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखना चाहते हैं कोई $5-10 के लेके भूल जाइए इसको, फिर आप इसको मतलब के छेड़िए ना, जब तक इसकी सप्लाई कम होती रहेगी बाद में फिर देखा जाएगा जो भी होगा। मीम कॉइन अगर सरवाइव कर गए बेयर मार्केट तो उसके बाद जो है भी अच्छे पंप भी इनको अच्छे देखने को मिलते हैं। बेबी डॉज की बात करूं तो मैंने आपको क्लियर बता दिया कि अभी 27% इसकी सप्लाई मार्केट में आ गई है, लेकिन अभी बाकी आनी है और आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा सप्लाई पीछे पड़ी हुई है जो बाकी आनी है। अगर इसकी बर्निंग का हिसाब देखें तो बर्निंग का अच्छा खासा इन्होंने हिसाब निकाला हुआ है, अगर इसी तरह बर्निंग होती रही शिबा इनू और बेबी डॉज में तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है आप जाते जाएंगे जैसे इनकी सप्लाई जो है कम होती जाएगी। इस टोटल इनका सप्लाई पे डिपेंड कर रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।